दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर अनिल और बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कई बार दुधारू पशु जैसे कि गाय भैंस इत्यादि अचानक से लाल भूरा या कॉफ़ी कलर का पेशाब करने लगते हैं। इस दौरान पशु खाना पीना छोड़ देते हैं, पशु का दूध जो है वह कम होने लगता है। हालांकि पशु के शरीर का तापमान जो है वह ज़्यादातर पशुओं में सामान्य ही रहता है, और अगर यह बीमारी पशु के लंबे समय तक रहती है तो उसके शरीर में खून की कमी हो जाने से वह लगातार कमज़ोर होने लगता है, और हीमोग्लोबिन की कमी हो जाने से पशु को सांस लेने में दिक्कत होने लगती है और पशु की जान जाने का खतरा भी बन जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में लहू मूतना या लोई मूतना या खून मूतना भी कहते हैं। तकनीकी भाषा में इसे पोस्ट पार्चुरियंट हीमोग्लोबिनुरिया या पीपीएच कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर यह बीमारी होती किससे है। दोस्तों यह बीमारी मुख्यतया पशु के शरीर में फॉस्फोरस तत्व की अत्यधिक कमी हो जाने की वजह से होती है। इसके अलावा कॉपर की कमी की वजह से भी पशु को यह बीमारी हो सकती है। अब बात करते हैं कि कौन से पशुओं को यह बीमारी होने का खतरा अधिक रहते हैं। दोस्तों एचएफ गायें, एचएफ क्रॉस गायें जो कि सामान्यतः 20 लीटर या 20 लीटर प्रतिदिन से अधिक दूध देती हैं, अपनी गर्भावस्था के अंतिम महीने से लेकर के ब्याने के बाद एक महीने के दौरान इससे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। एचएफ गायें और एचएफ क्रॉस गायों के अलावा दुधारू भैंसों में भी यह समस्या पाई जाती है। इसके अलावा कई बार पशुओं को महीनों तक हरी सरसों व गोभी के पत्ते खिलाने से भी यह समस्या हो जाती है, क्योंकि इनमें फॉस्फोरस तत्व की बहुत कमी होती है। इसके अलावा अगर पशु को पिछले ब्यांत में यह समस्या हुई है तो आगे आने वाले ब्यांत में भी यह समस्या होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या निदान की। इसके निदान के लिए पशु को फॉस्फोरस के इंजेक्शन लगाए जाते हैं जैसे कि टोल्डिफॉस सोडियम, सोडियम एसिड फॉस्फेट इत्यादि। इसके अलावा पशु चिकित्सक के मार्गदर्शन में या उनकी सलाह पे सोडियम एसिड फॉस्फेट का नॉर्मल सेलेन में 12% कंसेंट्रेशन में सॉल्यूशन बना करके आईवी देने से भी पशु को आराम आता है। कॉपर की कमी की पूर्ति के लिए कॉपर सल्फेट का 0.1% सॉल्यूशन नॉर्मल सेलेन में बना करके आईवी दिया जाता है, या प्रतिदिन 3.5 ग्राम कॉपर सल्फेट डायरेक्ट पशु को चारे या बांट के साथ भी खिलाया जा सकता है। तो अब बात करते हैं इसके रोकथाम की। इसके रोकथाम के लिए पशुओं को उनकी गर्भावस्था के अंतिम महीनों में अच्छी क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर जिसमें कि फॉस्फोरस व कॉपर पर्याप्त मात्रा में हो देना चाहिए। इसके अलावा अगर पशु को गोभी या सरसों खिला रहे हैं तो इसकी मात्रा हमें काफ़ी कम कर देनी चाहिए, और दूसरे हरे चारे जैसे कि रंजका, हरी घास, साइलेज इत्यादि की मात्रा अधिक कर देनी चाहिए। पशु को बांट के साथ गेहूं का दलिया, मक्के का दलिया या जौ का दलिया इत्यादि में से कोई भी एक जरूर देना चाहिए, क्योंकि इन अनाज वाली फसलों में फॉस्फोरस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो दोस्तों अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने मित्रों के साथ में इसे शेयर भी करें। अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।